किसी की लाडली बेटी, किसी की नटखट बहन, किसी की सुहागन और किसी की प्यारी माँ। ऐसे न जाने कितने ही रिश्ते मेरी छांव तले पनपते हैं और मजबूत होते हैं। मुझ में ही तो पुरुष का सारा संसार बसता है, लेकिन जैसे ही इस पुरुष समाज का साथ छूटता है तो मानो कांच का ये महल एकदम से चकनाचूर हो जाता है। ये लाडली बेटी, ये नटखट बहन, ये सुहागन और ये प्यारी माँ अचानक से उल्टा, अछूत, डायन और न जाने कैसे कैसे अलंकारों से सजा दी जाती है। हाँ, ये अलंकार ही तो हमारा सच था, एक कड़वा सच, जहां सारे रिश्ते नाते या तो समाज या फिर परंपरा की भेंट चढ़ चुके थे। लेकिन इस सच के अलावा एक सच और भी था। मेरी तरह इस रास्ते के मुसाफिर और भी थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को इतना बड़ा परिवार मिल गया, तो सब कुछ मिल गया, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी से मेरे को डरना भी नहीं है। आज इस संगठन के माध्यम से मैं इतनी आगे बढ़ गई हूँ कि आप लोगों के बीच में पता भी नहीं लगता है कि मैं एक लीडर बन गई। समाज ने बना दिया है रीति रिवाज, तो उस रीति रिवाज को कौन तोड़ेगा? हम ही तोड़ेंगे, हमारा संगठन तोड़ेगा, हमारी महिलाएं तोड़ेंगी। तो ये औरतें अब कनाड़ी से केंद्रीय को आया ऐसा लगता है मुझको। सन 1999 में जयपुर की बस्सी जिले की 425 विधवाओं के सम्मेलन के साथ शुरू हुए एकल नारी शक्ति संगठन की यह लौ आज राजस्थान के 33 जिलों के 115 ब्लॉक एवं 575 ग्राम पंचायतों के तकरीबन 71,000 सदस्यों के साथ साथ राष्ट्र एकल नारी अधिकार मंच के रूप में देश के 15 से भी अधिक राज्यों में एक आग की तरह फैल चुकी है। और आज हम एकल तो हैं, पर अकेली बिल्कुल नहीं। असली स्त्री शक्ति। लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पांव पिछाले हैं सांसें।